बस वो भी अपने गांव में सबको बता देंगे तो क्या बताएंगे। थैंक यू सर। ये है कि सम सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ मिले सारे जैसे करते हैं वो भी आपका फीडबैक देख के ही बंद करते हैं। इस साल कुछ कारण से हमने भर्ती लाता हूँ कि जो इधर की भर्ती होगी वो हमारे इलाके में होगी, मुंडी में नहीं है, नौशहरा वगैरह यहाँ के लोगों को ज़्यादा और उनके लिए आपके लिए आसान होता है अगर यहाँ भर्ती होगी तो इस पर की होगी। ये चीज़ जो भी सबको बता देना कि कोशिश हमारी रहती है कि मैक्सिमम भर्ती हो जाए। मैं 600 से ज़्यादा भर्ती कर नहीं सकता एंड बट आगे भी भर्ती आएगी एंड उसके लिए आप लोगों को। दूसरा चीज़ ये हुए हैं यहाँ पे फौज का फाइबर ऑप्टिक चोरी हुआ है रात को ना, अब वो बहुत महंगा इक्विपमेंट होता है। सरपंच हैं हमारे, सीनियर सिटीजन हैं हमारे, पंच हैं, नंबरदार हैं हम, और हमारी मीडिया भी है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें प्राउड है ये मोमेंट के 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो है ये हमारी कश्मीर का सबसे पहला ब्रिगेड है और इस ब्रिगेड ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी वजह से जो हमारा एरिया जो है अभी तक सेफ से। और हमारा जो है आपस में कॉर्डियल रिलेशन रहा है, हमारा 161 ब्रिगेड जो है चाहे वो हमारे नौजवानों का के बारे में सपोर्ट्स इवेंट्स हों, चाहे तालमेल हो, ट्रेनिंग्स हो, हमारे बहुत सारे इस वक्त जो हैं हमारी जो है 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो है वही कर रहा है, तमाम चीज़ें होस्ट कर रहा है, चाहे हिमायत के ज़रिए बच्चों की ट्रेनिंग करना, उनको जो हमारा नेशनल इशू है कि हम भाई कुछ ऑक्यूपेशन में एक्सपर्ट बना दें अपने बच्चों को ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें, उस सिलसिले में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है हमारी 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड को जाता है। और पर्टिकुलरली जो हमारी पीर पंजाल जो आज कहलाती है पीर पंजाल पहाड़ के वजह से पीर पंजाल ब्रिगेड भी कहा जाता है, इसको क्रेडिट्स जाते हैं, इनकी कुर्बानियां जो हैं रही हैं लोगों के तहीं जो किया है पॉजिटिव जो काम किए हैं। मैंने अभी भी कहा कि जब जलजला आया तो पहले जो हमारी हमारा 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड हमारे लोगों के साथ था, 2014 का जो फ्लड था तो ये हमारे साथ थे। जो ऑड वक्त होता है आप देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है हमारी चोटाली वगैरह इस एरिया में सुमाली जबली लाजली ये जो इलाके हैं ये दुधरन ये जो है बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहे इलाके हैं और हम प्राउड से ये कहते हैं कि हमारी वो जो है हमारी उन पेशेंटों को जिनको हम वहाँ से ला नहीं सकते हैं जो नॉन अप्रोचेबल एरियाज हैं जहाँ नहीं पहुँच सकती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच सकती है, वहाँ हमारी फौज ने रेस्क्यू करके उन प्रेग्नेंट औरतों को या उन पेशेंटों को हमारे हॉस्पिटल में पहुँचाया। हम हमेशा मशकूर हैं इनके और यही तो है कि भाई जवान और आवाम जो है अमन है मुकाम तभी पॉसिबल है जब हमारी फौज जो है हमारे करीब है और हम फौज के करीब है दूसरे के साथ। तो हम चाहते हैं कि ये वातावरण जो है कायम दायम रहे। इस वक्त जो है जो इवेंट हो रहा है G20 के लिहाज से ये खुशकिस्मती है कि हमारे कश्मीर में इंटरनेशनल कंट्रीज़ के जितने भी लोग आ रहे हैं वो हमारे मेहमान होंगे, यहाँ हम उनके होस्ट होंगे और जो उनकी जो जो यहाँ विज़िट है वो ये है कि हमारी कश्मीर की डेवलपमेंट हो और इस सिलसिले में जो जिनको बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इवेंट जो है कुछ उस लोग और उस
इसका फायदा जो है हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट में हो, तो वी आर अगेन वन विद अवर आर्मी एंड सिविल, तो हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं अपने ब्रिगेड कमांडर गोविंद साहब का, डिप्टी कमांडर राकेश साहब का, और हमारे सीओ जो हैं अटलरी के उनका, और दूसरे हमारे 15 जिखलाई के, क्योंकि अटलरी भी हमारी साथ है और वो भी हर इवेंट में हमारे साथ होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम उनको कहते हैं कि तुरंत हमारी हेल्प की जाए। वी आर वंस अगेन जो हमारे लोग हैं ये एक बार दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारी फौज का, क्योंकि हमारा जो है एक होना बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए, और मुल्क जो है वो नेचुरली हमारी जान है, तो हम थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। 161 ब्रिगेड जिसको पीर पंचाल ब्रिगेड भी कहा जाता है, ये उड़ी में वाका है, और ये एक हिस्टोरिक जिसको मैं कहूँगा कि इनके काम जो 161 ब्रिगेड के काम हैं ये हिस्टोरिक काम हैं। इन्होंने हमेशा अवाम के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो 47 हो, 65 हो, 72 हो, उसमें लोगों के साथ बिल्कुल कंधा से कंधे मिला के अपना एक परिवार समझ के इस ब्रिगेड ने उड़ी में काम किया है। आज यहाँ गेट टुगेदर, क्योंकि G20 हो रहा है, उसके रिकॉर्डिंग हमारे कमांडर साहब ने यहाँ गेट टुगेदर एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें हमें ये हदायत दी गई कि ये जो G20 है ये स्मूथली ये हो जाए, क्योंकि हमारे कश्मीर में हो रहा है, और हम सब लोगों को आर्मी का साथ देना चाहिए, 161 ब्रिगेड का साथ देना चाहिए। जब ये लोग कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ, हमारे हर दुख तकलीफ में ये ब्रिगेड हमारे साथ खड़ा है, तो आवाम को भी चाहिए कि इस ब्रिगेड का तावन करें और इस ब्रिगेड के साथ कंधे से कंधा मिला के रहें। आर्मी एक तो अपना काम करती है बॉर्डर पे, वो तो उनका काम है दुश्मनों से लड़ना, वो उनका काम है, उसके ब्रैकस आर्मी हमें लोगों को भी फैसिलिटेट करती है, कहीं स्कूल का मसला होता है, कहीं पानी का मसला होता है, कहीं और कुछ मसला होता है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मसले करने होते हैं, क्योंकि हमें ये ब्रिगेड जो है नज़दीक पड़ता है, और हम फौरन कहीं फायर का मसला हो जाता है, क्योंकि कहीं आग लग जाती है एरियाज़ में, तो हमारा यहाँ जो फायर ब्रिगेड है वो उड़ी में है, बोनेर में है नहीं, तो सबसे पहले हमें आर्मी वहाँ पहुँच के हमारी मदद करती है। कोई भी मसला होता है, चाहे कहीं दूर दराज एरिया में डिलीवरी हो, तो हमारी गाड़ियाँ बड़ी कम हैं, तो वहाँ से भी आर्मी अपने कंधे पे हमारी माओं बहनों को उठा के तो रोड तक ले आती हैं। कहीं बर्फ़ का मसला होता है, कहीं बर्फ़ स्लाइडिंग हो जाती है, तो वहाँ सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से भी पहले हमें आर्मी हमारा वहाँ साथ देती है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 161 ब्रिगेड है ये हमारा हिस्टोरिकल ब्रिगेड है और सबसे पुराना ब्रिगेड है। इसकी कुर्बानियां हैं 1947 से लेकर 2000 तक, और इस ब्रिगेड ने अपने अवाम के साथ 47 से लेकर आज तक जो है तालमेल रखा है। आप देखोगे जब 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 टर्माइल था 90 से लेकर, तो तब से तब भी यहां पर पीस थी, अगर और इस वक्त भी एक तो चीज़ है, इस वक्त भी हमारा जो माहौल है आप देखोगे कंपैरेटिवली हर जगह से पीसफुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जवान और आवाम जो है, जिसका मतलब ये है कि अमन है मुकाम, वही है यहाँ पर। इस वक्त हमारे जो ब्रिगेड कमांडर हैं 161 के, अभी हमारे जो पोटर्स रिक्रूटमेंट थी या सद्भावना के काम हैं, तो ये प्रेफरेंस से देते हैं उन इलाकों को जिन इलाकों के हमारे बॉर्डर टच होते हैं, तो उससे एक पीसफुल माहौल है। तो इसके अलावा भी हमारे जितने भी कुर्बानियां दी हैं 161 की, सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हैं, चाहे वो हमारे हाजी पीर हो, चाहे पीर की गली हो, या बेडोरी हो, या क्या कहते हैं हमारा जो इस कमान अमन सेतु है वहाँ हो, तो हमारे 161 ब्रिगेड जो है इसी ने कुर्बानियाँ दी हैं।